हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश शिवंशी एक बार फिर आपका यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूं, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर ऑफ नंबर। फैक्टर ऑफ नंबर जो है नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर ऑफ नंबर क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इज़ द फैक्टर। फैक्टर को हम हिंदी बोलेंगे गुणनखंड ना। गुणनखंड एक्चुअल में है क्या मेरे पास? फैक्टर मतलब मेरे पास गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपके पास दिया रहता है, जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 20 भाई, ये जो नंबर 20 है किस किस नंबर से कैंसिल आउट हो सकता है, ये सबसे पहले जानिए। तो आपने देखा कि जो 20 वो 1 से कैंसिल आउट हो सकता है, एक 2 से भी कैंसिल आउट हो सकता है, और 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, एक 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, और एक अपना 10 से कैंसिल आउट होगा, एंड लास्ट अगर हम करेंगे तो ये 20 से कैंसिल आउट हो रहा। तो आपने देखा 20 की ये जो नंबर मैंने इधर ये वाले नंबर ये वाली साइड जो नंबर लिखे ना, ये नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। ये नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं। 20 के मेरे पास कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ गए? तो एक नंबर मेरे पास एक आ गया है, अगले नंबर मेरे पास 2 है, फिर मेरे पास 4 है, फिर मेरे पास 5 है, और 10 है, और लास्ट में क्या मेरे पास 20 है। तो आई होप ये आपने देखा कि कितने फैक्टर निकल के आए, 6 नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आए। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं कुल मिला के मेरे पास। नंबर ऑफ फैक्टर यही होते हैं मेरे पास कुल मिला के ना। तो 6 मेरे पास निकल के आया। अब एग्जाम में इसको कैसे डील करेंगे, एक अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपकी नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है ना। अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिसमें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि नंबर ऑफ फैक्टर एक्चुअल में है क्या मेरे पास, गुणनखंड है क्या मेरे पास। एक नंबर मैं ले लेता हूं 24 के, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। भाई 24 किन किन नंबर से कैंसिल आउट होगा? तो आपने देखा यहां पे कि 24 जो नंबर है वो 1 से कैंसिल आउट होगा, अच्छी बात है। फिर हम 2 की तरफ बढ़ जाएंगे, 2 से कैंसिल आउट हो रहा, फिर हम 3 की तरफ लेंगे, 3 से कैंसिल आउट होगा, फिर हमने 4 से कैंसिल आउट किया, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आगे हम बढ़ेंगे तो सेम अगेन हम करेंगे, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे हम फिर बढ़ेंगे तो फाइनली मेरे पास कितना 12 हो जाएगा, और कितना लास्ट में क्या आएगा 24 हो जाएगा। तो आपने देखा कि 24 के कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आए मेरे पास? तो मेरे पास 4 है, मेरे पास 4 कितना 8 टोटल फैक्टर ऑफ नंबर निकल के आए। ठीक, ये तो पूरा बेसिक तरीका था ना, बेसिक तरीका था पूरा, बेसिक मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, जब बड़ा सा नंबर दे दिया मैंने, बड़ा सा एक नंबर ले लेते हैं, मान लो 100 एक नंबर ले लेते हैं, या फिर 120 एक नंबर ले लेते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या अप्रोच अपनाएंगे? तो इतना सब करते हुए ना हम इतना नहीं करेंगे। अब शॉर्ट में कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के सबसे पहले आपको प्राइम नंबर का नॉलेज होना चाहिए। व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर है क्या भाई, प्राइम नंबर होता क्या? सबसे पहले ये जानना होगा कि प्राइम नंबर है क्या मेरे पास। तो आपको पता होना कि प्राइम नंबर है क्या। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किससे डिवाइड होगा, बताओ। प्राइम नंबर मेरे पास ऐसा कोई सा भी नंबर, दो कंडीशन दो शर्त है। ऐसा मान लीजिए कि प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसा कोई सा भी नंबर जो किससे 1 से डिवाइड हो भाई, जिसमें 1 का भाग चल जाए, और ऐसा कोई सा भी नंबर जो सेल्फ से डिवाइड हो, ये है कुल मिला के आपका, ये दो कंडीशन प्राइम नंबर की। तो कुछ नहीं करना आपको, किसी भी नंबर ऑफ फैक्टर, किसी भी नंबर के फैक्टर निकालना, तो सबसे पहले आपको उस नंबर को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करना, प्राइम फैक्टर में आप कैसे डिवाइड करेंगे ये देखिए। सबसे पहली बात हम वही 20 को ले लेते हैं, जब से स्टार्टिंग से जो एक एग्जांपल मैंने आपको समझाया था 20, उसका ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। 20 ये जो नंबर भाई, इसको ब्रेक करके कैसे ले सकता, आपको ब्रेक करना कुल मिला के। तो पहला तरीका कौन सा, ये डब्बा मेथड। डब्बा मेथड कैसा, ये वाला बकायदा आपने यहाँ पे 20 लिखा है, अच्छी बात है मेरे पास, फिर 2 से आपने डिवाइड किया 10 मेरे पास, फिर 2 से डिवाइड किया मेरे पास 5 मेरे पास, फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर दो, कितना बने मेरे पास। तो 20 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, 20 को हमने क्या लिखा, 20 को बकायदा हमने ब्रेक करके जब लिखा है, फाइनली मेरे पास कितना आया 2 into 5 मेरे पास ये आ गया। तो थोड़ा ध्यान रखिए आपको, ये यहाँ पर जो भी नंबर बैठेंगे, आपको यहाँ पर जो भी नंबर बैठेंगे आपको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना, प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना। तो हमको पता है कि दो, अगर ये दो बार लिखा तो बकायदा इसको ऐसे लिख सकते, 2 की पावर मेरे पास कितना 2 आ गया, और 5 कुछ नहीं है, 5 के ऊपर कुछ नहीं है, तो पावर क्या लगा दो 1 लगा दो। फाइनली हमको इस फॉर्म में इसको क्या करना, चेंज करना, इस फॉर्म में चेंज करना। आगे क्या करना है ये देखिए, सबसे पहले अब खुद ही सोचिए कि यहाँ पे अगर 2 की पावर में 2 लूँगा भाई, 2 की पावर अगर 2 ले लिया मैंने, अच्छी बात है, और 5 की पावर 1 ले लिया मैंने। अब शॉर्ट तरीका क्या अपनाना, ये तो आपको चेंज करना ही करना, कुछ भी हो जाए ये तो करना ही आपको, फैक्टर करना, लेकिन इस फॉर्म में करना कि यहाँ पे जो भी नंबर बैठेगा वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 2 भी अपने आप में एक प्राइम नंबर है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट, और 5 भी अपने आप में क्या प्राइम नंबर। आगे क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा तरीका है, आपको जो भी पावर दी रहेगी, पावर जो भी दी रहेगी उसमें क्या करना, एक प्लस करना पावर में। हमेशा क्या करोगे, एक प्लस करोगे। अब कैसे करोगे पावर में एक प्लस मेरे पास, तो बताओ यहाँ पे 2 की पावर मेरे पास क्या है भाई, 2 है, 2 में एक प्लस करो कितना 3 मेरे पास। यहाँ पे 5 की पावर मेरे पास कितनी बैठी 1 बैठी है, एक प्लस कर दो मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा, और सबके लास्ट में क्या करना मल्टीप्लाई करना 3 दूनी मेरे पास कितना आएगा 6। तो आपने देखा कि 20 कितने नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आए, 6। तो हमने पहले भी सिंपल वाली मेथड में सिखाया था कि भाई 20 के 6 फैक्टर भी निकल के आए, और ये शॉर्ट तरीका जो बताया आपको, इसमें भी 6 नंबर ऑफ फैक्टर जो मेरे पास निकल के आए वो 6 निकल के आए। आई होप कि ये तरीका आपको समझ में आएगा। तो ये तरीका अपनाइए, ये तरीका बेस्ट तरीका भाई, आपको ये तरीका बेस्ट तरीका, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर जो भी नंबर दिया रहेगा
उसको इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना ही करना है, आपको कुछ भी हो जाए इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ही करना। आगे बढ़ते हैं, अगला एक नंबर ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है ना। एक नंबर लेते हैं 24 ना, 24 हमने ले लिया नंबर, ये पहले भी हमने इसके फैक्टर निकालिए, नंबर ऑफ फैक्टर इसके कितने निकल के आए थे, 8 निकल के आए थे। अब इसमें कैसे करेंगे, वही कोई तरीका है कि 24 को प्राइम नंबर फैक्टर में डिवाइड करो। तो डायरेक्ट तरीका डबल मेथड वाली नहीं करना, डायरेक्ट कर लिखो भाई। हम 24 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू मेरे पास कितना, 8 3 मेरे पास कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, अच्छी बात है। 8 इंटू 3 लिख दिया, अब बताओ 8 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको पता 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हो आप, 3 लिख सकते हो भाई। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर कितना 3 लिख सकते हो, और यहाँ पर कितना 3 ऐसा क्या ऐसा रहेगा। अब देखो लास्ट में मेरे पास वही सेम टू सेम वही कोई लॉजिक निकल के आया है कि आपको लास्ट में क्या करना, ये वाली मेथड ये वाली स्टेप आपको लाने ही लाना है। तो वही कोई लास्ट स्टेप मेरे पास क्या निकल के आई, 2 की पावर 3, और 3 की पावर कुछ नहीं तो 1 हमेशा आप मानिए, 1 हमेशा आप मानिए। तो क्या बताया था मैंने कि पावर में हमको एक प्लस कर देना, पावर मेरे पास कितनी है 3 है तो एक प्लस किया कितना 4। सेम कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, पावर मेरे पास 1 है तो एक प्लस कर दो कितना 2, सबका क्या करना लास्ट में मल्टीप्लाई करना। तो फाइनली मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए, 8 निकल के आए, और 8 इस सवाल का सही आंसर होगा। सिंपल वाले मेथड से भी हमने देखा था 8 नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आए। अब क्या करेंगे कि पूरा कॉन्सेप्ट तो हमने सीख लिया, तो इतना सब कुछ ना करते हो लास्ट ये वाली मेथड पे, ये वाली डायरेक्ट ये वाली हम इस कंडीशन पे अप्लाई करेंगे। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ये मेथड को और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अगला एक नंबर ले लेते हैं, 80 ले लेते हैं भाई, 80 नंबर ले लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास 80, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो 80 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालना, ये देखिए वही कोई तरीका, बस आपको नंबरों को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए आना चाहिए, नंबरों को ब्रेक करते हुए आना चाहिए। क्योंकि 80 को आप कर सकते हो बताओ, वो सेम कंडीशन, तो 80 को हम कर सकते हैं डायरेक्ट करो भाई, 80 को हम कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं 8 इंटू क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, वही कोई तरीका अभी मैंने बताया। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 3 लिख सकते हैं। फाइनली हम 10 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं। तो देखो लास्ट वही की वही स्टेप बन के मेरे पास करना, वही की वही कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा लॉजिक है कि 2 की पावर 3 मेरे पास, 5 की पावर कुछ नहीं तो 1 हमेशा मानिए, 2 की पावर कुछ नहीं है तो मेरे पास 2 की पावर 1 मेरे पास। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए आप ऐसा नहीं करना कि सर यहाँ पे 2 की पावर 3 है भाई तो एक यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे 2 की पावर कितना 1 है मेरे पास तो यहाँ पे प्लस किया, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि दोनों को एक जैसा बनाना, दोनों को एक जैसा बनाना। हमको पता है कि बेस अगर इक्वल हो, बेस अगर इक्वल हो तो पावर हमेशा क्या हो जाती है भाई 8 हो जाती है। तो फाइनली जो नंबर बचा मेरे पास 2 की पावर 4 और 5 की पावर और कितना 1 हो जाएगा, ये वाली लास्ट वाली कंडीशन हमारे पास बन गई। तो वही कोई हमको करना कुछ नहीं करना, पावर में क्या कर दो एक प्लस कर दो 5 मेरे पास, यहाँ भी पावर में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकल के आए, 10 निकल के आ गए, ठीक 10 इस सवाल का सही आंसर है। आई होप कि ये तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक बड़ा सा नंबर लेते हैं, बड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कॉन्सेप्ट को और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 120 एक नंबर ले लेते हैं। कंडीशन वही का वही है, सब कुछ वही का वही करना है कि 120 को आपको ब्रेक करना है या प्राइम नंबर में इसको ब्रेक करना है पावर के फॉर्म में। तो 120 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 120 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, वही का वही तरीका। पहला तरीका क्या हो सकता है भाई, देखो पहला तरीका ये मेरे पास कि सर 12 × क्या कर दो आप 10 कर लो, ये भी सही तरीका। सेकंड वाला तरीका क्या हो सकता है, देखो अगर आपको टेबल का थोड़ा सा नॉलेज है तो ये फैक्टर करना बहुत इजी हो जाएगा। हमको 120 को हम कैसे सकते हैं, हमको पता है कि 24 का कितना ये 5 times होता है, ये भी सही तरीका, ये भी सही तरीका। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि 120 क्या कर सकते हो 15 × क्या कर सकते हो 8 कर सकते हो। तो आपको वो वाली ऑपरेश ले वो वाली आपको अप्रोच लाना है जिसमें आपको कम से कम समय लगेगा। तो 12 को हम क्या ले सकते हो, 12 को हम ले सकते हैं 3 × क्या ले सकते हैं हम 4 लिख दिया, अच्छी बात है। 10 को आप क्या ले सकते हो भाई, 5 × क्या ले सकते हो 2 ले सकते हो। हमको पता है कि यहाँ पर 4 को क्या लिखा जा सकता है, प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है, प्राइम नंबर लास्ट में होना बहुत जरूरी है। 4 को आप क्या ले सकते हो, 2 की पावर मेरे पास कितना 2 लिख सकते हैं, 3 ऐसा कैसा मेरे पास और 5 मेरे पास ऐसा कैसा और 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 मेरे पास। वही तरीका कि सब पावर एक जैसे होना चाहिए, सब पावर एक जैसे होना चाहिए और बेस एक ही रखना है। तो सर 2 की पावर 2 यहाँ पे मेरे पास, 2 की पावर 1 मेरे पास, तो इनको क्या कर दें हम 8 कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास कैसा देखेगा, 3 × मेरे पास 2 × मेरे पास 3 हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि पावर 1 है इसकी भाई, इसकी 2 है, तो पावर क्या कर देगा 8 कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास कितना 5 इधर, ऐसा कैसा रहेगा, पावर कुछ नहीं तो क्या 1 पर ऐसा है। वही कोई सेम तरीका अपनाएंगे, पावर मेरे पास 1 है तो एक जोड़ दो भाई कितना 2 मेरे पास, पावर में हमेशा आपको 8 एक प्लस करना है, पावर हमेशा एक प्लस करना। 2 की पावर 3 मतलब मेरे पास 4 लिख दूँ या पावर पर, 5 की पावर 1 मतलब मेरे पास 2 लिख दूँ, सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = कितना 16। तो फाइनली इसका नंबर आप फैक्टर कितने निकल के आए, 16 निकल के आए। तो ये भी एक वेस्ट तरीका, लेकिन थोड़ा देखो इस पर थोड़ा सा फोकस करिए, ये वाला अगर तरीका करोगे तो आराम से कर पाओगे, कम से कम समय में आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को। हमको पता इसको कर सकते हो बताओ,
15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 लिख सकते हैं आराम से, प्राइम नंबर होना बहुत जरूरी है। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर क्या 3 लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन, वही कोई तरीका पावर बन है भाई, इसके पावर बन है, यहाँ पावर कितनी 3 है, पावर में एक प्लस कर दो मेरे पास कितना 4 आ जाएगा, यहाँ पावर में एक प्लस कर दो 2 मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर पावर में एक प्लस कर दो कितना 2 मेरे पास, तो फाइनली मेरा इसका आंसर भी कितना 16 इसका भी आंसर आ जाएगा। तो ये तरीका बेस्ट तरीका, तो आपको क्या करना एक ऐसा अप्रोच अपनाना जिसमें आपको कम से कम समय लगे ना, कम से कम समय लगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, तो यही कई तरीका, लास्ट वाला जो तरीका होता है ये वाला तरीका अपनाइए ना, इसमें कम से कम समय लगेगा आपको। एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक नंबर मैंने ले लिया भाई 100 ले लेते, मान लो एक नंबर 100 नहीं एक नंबर ले लेते 200 ले लेते, एक नंबर हम ले लेते 200 ले लेते, मानो एक नंबर 200 ले लेते हैं, तो 200 को कैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, अभी हम ओनली टोटल हम नंबर के फैक्टर की बात कर रहे हैं, इवन ऑड की बात नहीं कर रहे, हमको क्या निकालना फाइंड टोटल नंबर ना, फैक्टर टोटल निकालना। तो वही का वही तरीका, अब 200 को कैसे ब्रेक करोगे, तो 200 को कैसे ब्रेक करोगे, वही का वही सेम तरीका, फिर इसको ऐसे लिखते 2 × कितना 100 कर सकते हैं, 100 को कैसे ब्रेक करोगे, तो 100 को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि बकायदा इसको ऐसा लिख लो कि 10 × क्या कर दो 10 कर दो, ये भी सही तरीका, या इसको ऐसा ना लिख के ऐसा लिखो तो बेटर होगा, 25 × क्या लिखते हो 4 लिख दो भाई, ये भी सही तरीका बेटर होगा। इसमें क्या टाइम कम से कम बचेगा अपने का, हमको पता है कि ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 2 ऐसा कैसा है, इसको क्या लिख सकते हो बताओ 5 × 2 लिख दो भाई, 25 है तो 5 की पावर कितना 2 आ जाएगा, सेम अगेन हम यही करेंगे 4 का लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आगे क्या बताया मैंने कि भाई ये सेम होना चाहिए, ये एक ही नंबर होगा, अलग अलग नंबर नहीं होगा, ये जो नंबर होगा वो अलग अलग नंबर नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 2 की पावर 2 मेरे पास, 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 मेरे पास, 2 की पावर 2 और 1 मेरे पास कितना जाएगा 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3 ऐसा कैसा मेरे पास, और 5 की पावर मेरे पास 2 ऐसा कैसा, सेम अगेन ये सिंपल फॉर्म में बन गया, ये प्राइम नंबर नंबर में आ गया। तो वही का वही तरीका बताया मैंने कि पावर में एक प्लस कर दो भाई, पावर में क्या करेंगे एक प्लस कर दो, पावर में एक प्लस किया भाई 3 पावर भाई, एक प्लस कर दो कितना 4 आ जाएगा, सेम अगेन अगर करेंगे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर अगर 2 है तो एक प्लस कर दो कितना 3 मेरे पास, तो कितना 4 × 3 = 12, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना जाएंगे 12 इस सवाल का आंसर होगा। तो आई होप कि ये तरीका ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके समझ में आया हो। एक बड़ा सा नंबर लेते आगे तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कुछ नया मैं सिखाऊंगा आपको, बस आपको क्या फंडा क्या रखना, शॉर्ट तरीका क्या बताया मैंने आपको, शॉर्ट तरीका ये बताया कुछ नहीं करना हमें, आपको क्या करना है जितनी भी पावर आएगी भाई, जितनी भी पावर आएगी उसमें क्या करना भाई एक प्लस करना, एक प्लस आपको करना है, और सभी पावर का करना आपस में क्या मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना है आपको। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ नया तरीका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए किस टाइप से रहेगा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे 240 आपसे बोल दिया कि 240 भाई, तो पहला क्वेश्चन क्या, आप थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले बताइए मुझे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, टोटल आप ओड वाले फैक्टर बताइए, ओड वाले, ये नया क्वेश्चन बना दिया कि नंबर ऑफ ओड फैक्टर, पहला क्वेश्चन है टोटल फैक्टर आपको निकालना, सेकंड क्वेश्चन क्या आपको ओड फैक्टर निकालना, ओड मतलब हिंदी वाले लिखो इसको विषम भाई, विषम आपको गुणनखंड चाहिए, विषम गुणनखंड कितने होंगे इसके, विषम गुणनखंड कितने होंगे, तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल समझो ना, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, सबसे पहले जैसे एक नंबर मैंने लिया 24 लिया था, एक नंबर मान लो 24 ले लिया, 24 हमने एक नंबर ले लिया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए, 24 एक नंबर ले लिया, तो 24 हमने देखा कि कौन कौन से भाई मेरे पास सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर निकल के आया था, एक तो सबसे पहले बना गया था, सेकंड मेरे पास कितना आया 2 आ गया था, एक मेरे पास 3 आ गया था, एक मेरे पास कितना आएगा 4 आ गया था भाई, एक मेरे पास कितना निकल के आया था 6 आ गया था, एक मेरे पास कितना निकल के आया था 8 आ गया था, एक मेरे पास कितना है 12, और लास्ट वाला जो फैक्टर था वो मेरे पास कितना है 24 निकल के आया था। तो हमने देखा इस टाइप से क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए थे, 8 टोटल नंबर फैक्टर निकल के आए थे। तो अगर आपसे मैंने पूछता कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, तो बकायदा आपने क्या बोला था भाई इसका 8 आएगा, लेकिन आपसे मैं बोलता कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आएंगे, इसमें से ओड नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहां से देखिए कौन सा नंबर मेरे पास ओड बैठा भाई, कौन कौन से नंबर मेरे पास ओड है, यहां से देखिए कौन कौन से नंबर ओड है मेरे पास, तो आपने देखा कि भाई एक मेरे पास ओड नंबर मेरे पास बैठा, एक जो नंबर मेरे पास ओड है अच्छी बात है, 3 भी मेरे पास कितना ओड है मेरे पास, और कोई सा ओड नंबर है क्या नहीं मेरे पास, तो बताइए कितने ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आ गए इसके बताओ, तो मेरे पास आपसे बोलो कि 2 नंबर मेरे पास ओड और नंबर ऑफ फैक्टर निकल के आए। तो ये तो तरीका बेसिक था, लेकिन आप डायरेक्ट हम ओड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे ये देखिए, सबसे पहले करना कुछ भी नहीं है आपको, बस आपको ये जो नंबर दिया रहता है इसको किस फॉर्म में ब्रेक करना भाई, प्राइम नंबर के फॉर्म में ब्रेक करना, प्राइम नंबर के फॉर्म में हमेशा ब्रेक करना है। जैसे 240 है, 240 को आप कैसे लिखोगे, 240 को आपने लिखा है कैसे ब्रेक करोगे, पहला तरीका मेरे पास कितना भाई इसको ऐसा कर लो, मेरे पास 120 कर लेते हैं, 2 क्या करते हैं 2 कर लेते हैं, 120 को हमेशा अभी ब्रेक किया था हमने, 120 को कैसे ब्रेक किया था कि 15 × मैंने कितना लिखा था भाई 8 लिखा था, और 2 ऐसा कैसा मेरे पास, आप खुद ही सोचिए इसको, और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए, हमको पता है कि यहाँ पे 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ 2 की पावर 3, और यहाँ पे एक पावर मेरे पास 2 की पावर 1 हो गई, तो फाइनली इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × मेरे पास 5 और 2 की पावर लास्ट
फाइनली इसको अगर लिखूंगा, इस पूरे का अगर लिखूंगा तो इस पूरे को मैं लिखूंगा 2 की पावर, मेरे पास कितना आएगा 4 आएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा। आपसे बोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आए, कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया सही पावर भाई सिंपल होना, पावर क्या करना भाई 8 कर देना आपको, पावर इसकी एक है तो एक दो हो जाएगा, इसकी पावर एक है भाई तो एक पावर में 8 कर दो, दो मेरे पास, इसकी पावर 4 है तो एक 8 कर दो कितना 5 मेरे पास, सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 4 मेरे पास कितना 5 20, तो हमने देखा 240 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए 20 निकल के आए। लेकिन एक सेकंड वाला जो क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर आपको बताने का, ओड फैक्टर कितने होंगे, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, जितने भी ओड नंबर है भाई, जितने भी ओड नंबर सबको क्या उठा लो, जितने भी ओड नंबर है मेरे पास यहाँ पर सबको क्या उठा लीजिए, ओड नंबर मेरे पास कितने ये देखिए, सबसे पहले ओड नंबर मेरे पास कितने ये देखिए, ओड नंबर मेरे पास निकल के आ 3 की पावर 1 मेरे पास, ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर उठाना, ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर उठाइए, ओड नंबर ऑफ फैक्टर उठाइए। तो मैंने देखा ऑप्शन वाला ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो ओड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे, पावर उठा लो, नंबर ऑफ फैक्टर की पावर उठा लो, तो 3 की पावर 1 मेरे पास तो एक प्लस कर दो भाई मेरे पास 2, 5 की पावर 1 मेरे पास तो एक प्लस कर दो कितना 2। तो फाइनली हमने देखा कि टोटल ओड नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आए 4, इस सवाल का सही आंसर होगा। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया कि टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर कैसे निकालेंगे, सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं करना आपको, ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वही आपको उठा लेना, कुछ मिला के जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है अगर, तो ओड नंबर कौन कौन से हैं उसकी वैल्यू को पावर के फॉर्म में उठा लीजिए। बाकी जो तरीका बताया मैंने आपको कि पावर में हमेशा एक प्लस करिए, पावर में क्या करिए एक प्लस करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ नया टाइप का देखिए जिसमें हम और सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अगला क्वेश्चन कुछ नया सिखा गया आएगा आपको ना। एक नंबर ले लेते हैं हम, 90 ले लेते हैं, 90 ले लेते हैं, एक नंबर 90 ले लेते हैं। आपसे बोल दिया कि पहला तरीका क्या है, पहला आप ये देखिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, टोटल आपको बताना है कि भाई ओड नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने, ओड वाला निकालना है। अगला क्वेश्चन इसमें नया बना रहा हूं मेरे पास, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, नया क्वेश्चन है आपको, ओड मतलब विषम नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, आपको विषम वाली गुणनखंड निकालिए और इवन मतलब सम गुणनखंड आप निकालिए मेरे पास यहाँ से ना। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको सिंपल पावर के फॉर्म में आपको चेंज करना है, सिंपल पावर के फॉर्म में आपको चेंज करना है। तो सिंपल पावर के फॉर्म में कैसे लिखो, 90 को हम क्या लिख सकते हो, 90 को बकायदा लिखिए यहाँ पे, कुछ नहीं करना। अब ऐसा लिख लो 10 क्या कर दो भाई 3 लिख लो भाई, 10 लिख लो, हाँ 3 नहीं सॉरी 10 लिखिए। तो फाइनली हमको पता है इसको क्या लिख सकते हो, तो 5 मेरे पास कितना 2 लिख सकते हो, हमको 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। फाइनली मेरे पास सिंपल वे में बन गया, अच्छी बात है, यहाँ पावर कुछ नहीं है तो मतलब 1 मेरे पास 1। आप सोला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना आपको टोटल नंबर फैक्टर निकालने के लिए, सभी की जो पावर है भाई, सभी की जो पावर है उसमें एक एक प्लस कर दो, पावर एक मेरे पास कितना तो सर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, पावर मेरे पास एक है कितना 2 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, पावर मेरे पास 2 है तो एक जोड़ दो मेरे पास कितना 3, बस पावर में आपको एक 8 करना है सबका मल्टीप्लाई करना। फाइनली मेरे पास 4 3 12 12 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितना निकल गया 12 निकल गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालोगे आपको, ओड नंबर फैक्टर मैंने बताया आपको, ओड नंबर उठा लेना, कुछ नहीं करना, तो ओड नंबर की पावर के रूप में उठा लो, ओड नंबर मेरे पास 5 की पावर 1 है, ओड नंबर मेरे पास कितना 3 की पावर मेरे पास कितना 2 है मेरे पास, ओड नंबर ऑफ फैक्टर अगर बोला जाए तो ओड नंबर आपको उठाना और कुछ भी नहीं करना, वही सेम लॉजिक हम करेंगे, 5 की पावर 1 मतलब 1 मेरे पास, 1 प्लस कर देंगे मेरे पास कितना 2 लिखो यहाँ पे, 3 की पावर मेरे पास 2 तो 1 प्लस कर दो कितना 3 मेरे पास, 3 2 मेरे पास 6, तो टोटल ओड नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आया भाई 6 निकल के आया। अब ये नया क्वेश्चन बना दिया, फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालोगे ये खुद ही समझिए, अब इसको देखो शॉर्ट तरीके से करेंगे। आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के आया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के, इस पूरे के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकल के 12 निकल के आ गए। अगर मुझे बताइए इस 12 में से अगर मेरे पास, इस 12 में से अगर मेरे पास 6 मेरे पास जो है 6 मेरे पास जो है भाई वो क्या कौन से फैक्टर आ गए, ओड फैक्टर आ गए, तो मुझे बताइए जो बाकी के जो फैक्टर बचे हुए जो रिमेनिंग फैक्टर है वो इवन ही होंगे मेरे पास। तो कुछ नहीं करना आपको, पहले टोटल निकाल लिया और ओड्स में से ओड को लेस कर दीजिए, ओड फैक्टर को लेस कर दीजिए, ओड फैक्टर को हमने लेस किया तो कितना 12 में से 6 गया मेरे पास, 6 मेरे पास, तो फाइनली इसका सवाल का सही आंसर क्या होगा, इवन। अगर बात करें 90 के, तो 90 के 6 मेरे पास ओड फैक्टर है भाई यहाँ पे, और 6 मेरे पास क्या इवन फैक्टर। लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आपसे पूछा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने हैं 12 फैक्टर है। आई होप कि तरीका आपको समझ में आया होगा कि इसमें मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना सिखा दिया है और ओड नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना सिखा दिया और इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी निकालना सिखा दिया ना। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें आपको कुछ नया मैं सिखाने वाला हूँ ना। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं जिसे हम कुछ नया सीखेंगे, जैसे बड़ा 180 ले लेते हैं, 180 ले लेते हैं, 180 के मुझे बताइए पहले वही का वही तरीका है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकल के आएंगे। अगला क्या है मेरे पास, ओड नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आएंगे और इवन नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आएंगे, यही यही करना है आपको। तो तरीका क्या बताया था मैंने कि इसको पावर के फॉर्म में हमको ब्रेक करना है, पावर के फॉर्म में आपको ब्रेक करना है। तो आप 180 को क्या लिख सकते हो, 180 को बकायदा हम क्या लिख सकते हो बताओ, 180 को आप लिख सकते हो यहाँ पे
कि 180 को आप ले सकते हो, 15 इंटू क्या कर दो, 15 ज़्यादा हो जाएगा, एक काम कर लेते हो उसको 18 इंटू क्या कर दो, 18 को इसको, या फिर ऐसा कर दो 9 इंटू 2 इंटू कितना 10 कर दो भाई, ये बेस्ट तरीका, 9 इंटू 2 इंटू 10 कर दिया मैंने, तो 9 दूनी मेरे पास 9 दो कितना 18, 18 में 10 का मल्टीप्लाई करूँ कितना 180 मेरे पास निकल के आएगा। वही सेम तरीका इसको क्या ले सकते हो, 3 की पावर कितना 2 मेरे पास, इसको क्या ले सकते हो 2 की पावर 1 मेरे पास, इसको क्या ले सकते हो 5 इंटू 2 मेरे पास, आप खुद ही सोचिए यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1 सेम सेम बेस है, तो सबको पावर को क्या कर देंगे 8 कर देंगे, तो 3 की पावर 2 मेरे पास ऐसा कैसा, 2 की पावर मेरे पास कितना 1, 2 की पावर 1 मेरे पास, तो दोनों को ऐड कर दो, 2 की पावर कितना 2 मेरे पास, 5 की पावर कितना 1 आ जाएगा मेरे पास, सेम अगेन एक ही करेंगे हम। अब देखो वही कोई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना तो क्या करिए, वही कोई जो तरीका बताया मैंने कि पावर सभी पावर को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, पावर कितनी 2 भाई, 1 प्लस कर दो कितना आएगा 3 मेरे पास आएगा, पावर कितनी 2 1 प्लस कर दो कितना 3 आएगा, पावर कितनी 1 1 प्लस कर दो कितना 2 आ जाएगा, सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई करो, 9 2 मेरे पास कितना 18, तो 18 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपसे बोला कि ऑड फैक्टर बताओ, तो मैंने कुछ नहीं बताया आपको, क्या बताया मैंने कि ये बताया मैंने आपको कि ऑड फैक्टर अगर पूछा जाएगा तो ऑड नंबर आप उठा लो, ऑड नंबर की पावर उठा लो मेरे पास, ऑड नंबर मेरे पास कौन कौन से बैठे बताओ मेरे पास, एक ये भी मेरे पास विषम संख्या, एक ये भी मेरे पास विषम संख्या, उसको बस उठा लो बाहर, 3 की पावर 2 मेरे पास, 5 की पावर 1 मेरे पास, तो फाइनली वही वही करेंगे, पावर कितनी मेरे पास 2 है 1 प्लस कर दो कितना 3, पावर मेरे पास कितनी 1 है 1 प्लस कर दो कितना 2 हो जाएगा, सबको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो 6 मेरे पास। आपसे बोला इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, सम गुणनखंड निकालिए, सम गुणनखंड निकालिए, तो करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है कि टोटल आपको पता है कि टोटल मेरे पास फैक्टर कितने गए 80 आ गए मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितना गए 80 आ गए, आप खुद ही सोचिए इस 80 में से 18 में से अगर 6 नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास क्या भाई 6 नंबर ऑफ फैक्टर अगर मेरे पास ओड है तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आएंगे, तो 18 था टोटल 18 फैक्टर थे मेरे पास, 18 में से मेरे पास 6 फैक्टर निकल के आ गए, तो 6 में से अगर मैं ओड वाले फैक्टर आ गए तो इवन वाले मेरे पास कितने 12 बचे 12 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो ये वाले इस क्वेश्चन में मैंने सारे आपको क्वेश्चन करवा दिए कि ओड नंबर फैक्टर कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे। अगर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ नया सिखाऊंगा मैं, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ नया नया क्या सिखाऊंगा ये देखिए इस क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ नया क्वेश्चन आपको बताऊंगा ना मैं, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा ये देखिए, सबसे पहले इसी में अगला एक नंबर ले लेते हैं हम जिसमें आपको कुछ नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे एक नंबर ले लेते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो 70 ले ली, 70 ले लिया, अब मुझे बताओ सबसे पहले 70 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, ठीक है इवन मेरे पास कितने होंगे ओड कितने होंगे, ये तो पुराने 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन पुराने हैं, ये तीनों क्वेश्चन पुराने हैं ना, नया क्वेश्चन क्या है, अगर मैंने बोल दिया, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मुझे ये बताइए कि मुझे सम बताओ, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स का सम बताओ भाई, सभी सम का फैक्टर का सम बताओ मेरे पास, ठीक है, और अगला बोल दिया मैंने कि सम ऑफ मेरे पास कितना ऑल इवन फैक्टर का सम बताओ मेरे पास, इवन फैक्टर का सम बताइए, इवन फैक्टर का मेरे पास सम बताइए, ठीक है, और लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है मैं कि ओड फैक्टर का सम बताओ, ओड फैक्टर का सम बताइए, ये 3 क्वेश्चन मैंने नए बना दिए इसी में ना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल इवन ऑफ फैक्टर और टोटल ओड नंबर ऑफ फैक्टर और सम बताइए मुझे, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले ये देखिए आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने अभी निकाला था एक नंबर लिया 24 निकाला था हमने, 24 एक नंबर ले लिया था, 12 एक नंबर ले लिया था, देखो 12 एक नंबर ले लिया था हमने जिसमें अलग अलग फैक्टर निकाल लिए थे हमने, 12 ले लिए थे एक नंबर, एक मेरे पास फैक्टर 1 था मेरे पास, एक मेरे पास 2 हो गया था, एक मेरे पास 3 था, एक मेरे पास 4 था, एक मेरे पास 6 हो गया, एक मेरे पास 12 हो जाएगा और लास्ट मेरे पास कितना 6 फैक्टर आ गया, कोई बात नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं इसी क्वेश्चन में पूछूं आपसे कि मुझे आप इतना बता दीजिए बस कि मेरे पास इवन फैक्टर कितने हैं, तो आपने बोला 2 4 और 6 भाई, और कितना मेरे पास 12 भी मेरे इवन फैक्टर, तो मेरे पास इवन फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आ गए थे बताओ, कुल मिला के 4 फैक्टर आ गए, और फैक्टर कितने निकल के आए बताओ यहाँ से, तो आपने देखा कि और फैक्टर और नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आ गए हैं, तो आपने बोला कि यहाँ पे और नंबर ऑफ फैक्टर कितना 2 मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मेरे पास कितने निकल के आए 6 आ गए, ये तो सब पुराना क्वेश्चन, पूरा पुराना क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन, नया क्या क्वेश्चन इसमें, अगर मैंने इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल दिया, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने आपसे बोल दिया कि मेरे पास इवन फैक्टर भाई, जो इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर है, इवन फैक्टर का मुझे क्या बताइए सम बताइए, सम बताइए, इवन फैक्टर क्या निकालना आपको सम निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो देखो आपके सामने कौन कौन से इवन फैक्टर दिख रहे बताओ, एक आपने बोला सर 2 मेरे पास इवन फैक्टर है, अच्छी बात है, एक मेरे पास 4 इवन फैक्टर है, एक मेरे पास 6 इवन फैक्टर हो गया, एक मेरे पास 12 इवन फैक्टर होगा, सबको क्या कर दो 8 कर दो, सबको क्या करेंगे 8 करेंगे, तो फाइनली मेरे पास कितना आएगा बताओ, भाई इधर मेरे पास अच्छा वो कितना 12 24 मेरे पास निकल गया, टोटल इवन फैक्टर का सम कितना 24 निकल के आएगा। आपसे बोला कि बताओ ओड फैक्टर का सम कितना बताओ मेरे पास, ओड फैक्टर जितने भी सबको ऐड कर लो, ओड फैक्टर मेरे पास कितने 1 है मेरे पास और एक कितना 3 मेरे पास, ये मेरे पास ओड फैक्टर हो गया, सबको क्या कर दो हम 8 कर दो, फाइनली मेरे पास कितना आएगा 4 आ गया। तो आपने देखा हमने ये बेसिक क्वेश्चन पूरा बेसिक बताया कि हम करना क्या, एक्चुअली करते क्या है आपसे, तो करना क्या हमने कुछ नहीं किया, हमने इवन फैक्टर ले लिया उनका सम बता दिया आपको, ओड फैक्टर ले लिया उसका सम बता दिया, लेकिन एग्जाम में इतनी अप्रोच नहीं
आपके आएंगे ना, इतना नहीं करेंगे एग्जाम में क्या हर फैक्ट, अब एग्जाम में हर एक नंबर का फैक्टर निकालते रहेंगे क्या, इवन फैक्टर क्या ओड फैक्टर है, तो शॉर्ट देखिए क्या करना, शॉर्ट देखिए क्या करना, इसी क्वेश्चन में सबसे पहले शॉर्ट देखिए, फिर 70 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे ये देखिए। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने आपसे ये बोल दिया कि बताओ टोटल नंबर फैक्टर का सम बताओ, टोटल जो फैक्टर भाई उसका सम बताओ, टोटल फैक्टर नंबर का सम बताइए आप, तो टोटल का आप कैसे निकालोगे, वही का वही तरीका सबको हम ऐड कर लेते हैं आपके आंखों के सामने, देखिए कैसे ऐड करेंगे, ये मेरे पास 12 हो जाएगा, ठीक है, ये मेरे पास 10, मेरे पास ये भी 12, मेरे पास 12 12 कितना 24, मेरे पास 24 और मेरे पास 4 कितना आएगा भाई 28 हो जाएगा, ये 28 हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का जो समय 28। तो देखो आप इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे करेंगे, कम से कम समय में कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए करना क्या है आपको, किस टाइप से करना है ये देखिए। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये देखिए सबसे पहले हम सिंपल वे में जो फैक्टर एजेशन जो मेथड आपको बताई है, फैक्टर कर लो, फैक्टर कर लो, जैसे 12 के हमने फैक्टर किए हैं तो कितना 3 और 4 आ गया, फिर वही सेम लॉजिक अपनाएंगे, 3 ऐसा कैसा 2 की बार कितना 2 मेरे पास, 2 मेरे पास, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना आपको कि टोटल इवन अब टोटल फैक्टर बोलेगा, टोटल फैक्टर का सम बताओ, टोटल फैक्टर का क्या निकालना, सम निकालना, तो कैसे करोगे ये देखिए। सबसे पहले टोटल फैक्टर 3 मेरे पास 12, 2 की पावर मेरे पास 2 था, करना क्या आपको थोड़ा सा ध्यान देना आपको, जैसे यहाँ पे कितना इसके 3 की पावर कितना 1 है मेरे पास, 3 की पावर कितना 1 है, तो करना क्या है कुछ नहीं करना आपको, 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 3 की पावर 0 पहला फैक्टर, 3 की पावर 1 दूसरा फैक्टर, कहाँ तक जाना जहाँ तक पावर लगी हुई है ना। अब 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 को आप कैसे ले सकते हो, पहला तरीका मेरे पास 2 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, फिर अगला फैक्टर 2 की पावर 1 हो जाएगा, फिर लास्ट वाला फैक्टर 2 की पावर कितना 2, कहाँ तक जाना आपको जब तक पावर लिखी हुई है, आपको क्या करना है सबको ऐड कर लो, सबको ऐड करो, 3 की पावर 0 मेरे पास कितना 1, 3 की पावर मेरे पास 1 कितना 3, तो कुल मिला के मेरे पास कितना ये 4 मेरे पास हो गया भाई। सेम अगेन यहाँ पे भी करेंगे, 2 की पावर 0 मतलब किसी नंबर की पावर अगर 0 होगा तो उसका आंसर हमें सही कहा गया, इतना ध्यान रखिए ना, 2 की पावर 1 मेरे पास कितना 2, 2 की पावर 2 मेरे पास कितना बताओ यहाँ पे 4 आ जाएगा, सबको क्या कर दो भाई मल्ट, सबको हमने ऐड किया कितना 4 और 3 कितना मेरे पास 7, अब लास्ट में क्या करना सभी को क्या करना मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना, तो 3 के जो फैक्टर थे 3 की पावर 1 के फैक्टर कितने निकल के आए, टोटल सम कितना है भाई 4 मेरे पास, और अदर का मेरे पास सम कितना निकल के आया 7 निकल के आया, सबको क्या करना ऐड करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का सम कितना 28, तो हमने सिंपल वे में भी निकाला था वहाँ भी 28 निकल के आया था, और ये मेथड में निकाला तो यहाँ पे भी 28 निकल के आया। आई होप ये तरीका आपको समझ में आएगा, करना कुछ भी नहीं है आपको, सिंपल तरीका है, सिंपल सा लॉजिक है कि 3 की पावर 1 लिखा है तो हमेशा 0 से स्टार्ट करना, कहाँ तक जाना जहाँ तक पावर है भाई लिखी हुई, 2 की पावर अगर 0 2 है मेरे पास तो कहाँ से स्टार्ट करोगे 0 से लेकर कहाँ तक पावर जहाँ तक 22 है, जितनी पावर हो वहाँ तक आप लिख दो, लास्ट में क्या करना सभी को क्या करना मल्टीप्लाई करना, तो आई होप ये तरीका आपको समझ में आएगा। अब यही कई तरीका आपसे अगर मैंने इसमें ये पूछ लिया कि बताओ मुझे इवन पावर का सम कितना भाई, इवन इवन बताओ मुझे, इसी क्वेश्चन में बना रहा हूँ कि मुझे आप ये बताइए कि इवन ओड नंबर का सम कितना हुआ मेरे पास, ओड नंबर का सम कितना हुआ, तो कुछ नहीं करना, सिंपल तरीका आपसे पूछ लिया जाएगा ओड नंबर का सम बताओ, ओड नंबर का आप सम बताओ, तो वहाँ पे आप बताइए कि ओड नंबर का सम मेरे पास कितना निकल के आया था 12 में, तो हमने देखा एक नंबर पास 3 बैठा था, एक नंबर मेरे पास 4 बैठा था, सम और ऐड कर दिया, तो कुछ नहीं करना ओड नंबर का सम निकालना, कभी सम निकालना ओड नंबर का सम निकालना है तो ओड नंबर की पावर उठा लो, ओड नंबर की पावर उठा लो, ओड नंबर की पावर मेरे पास कितनी बताओ यहाँ पे 3 की पावर 1 है मेरे पास, तो इसको कैसे लिखोगे आप 3 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट हमेशा करोगे, 3 की पावर 0 मेरे पास और 3 की पावर मेरे पास कितना 1, 3 की पावर 0 मतलब 1 मेरे पास, 3 की पावर 1 मेरे पास कितना 3, तो फाइनली मेरे पास ओड फैक्टर का सम कितना निकल के आया 4 मेरे पास। आपसे बोला कि इवन नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फैक्टर का सम निकालो, तो कुछ नहीं करना आप खुद ही देखिए कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे आप खुद ही देखिए, टोटल मेरे पास टोटल फैक्टर का जो सम था भाई मेरे पास कितना निकल के आया 28 निकल के आया, जिसमें से मेरे पास अगर बात करता हूँ ओड फैक्टर का सम कितना निकल के आया मेरे पास बताओ 4 निकल के आया, तो इवन फैक्टर का सम कितना निकल के आया टोटल सम 28 है, 28 में से अगर 4 हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, फाइनली मेरे पास कितना 24 जो आएगा वो इवन फैक्टर का सम आएगा। आई होप ये तरीका आपको समझ में आया, खासकर इस पर ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है कि 3 की पावर 0 3 की पावर 1 है भाई, तो हमेशा 0 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है जहाँ तक पावर लिखी हुई हुई। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, अगला नंबर ले लेते हैं, अगला नंबर लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 70 ले लेते हैं, जो से नंबर 70 बताया था मैंने वही नंबर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कैसे 70 कैसे लिखा बताओ, 70 को हमने लिखा 14 का भाई 5 गुना 70, और इसको कैसे लिख सकते बताओ 14 इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते 7 इंटू मेरे पास 2 इंटू कितना 5 मेरे पास, वही कोई तरीका। आपसे बोला टोटल टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, तो डायरेक्ट करिए कुछ नहीं करना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर निकालना तो क्या करोगे भाई, तो वही के वही मेरे पास क्या आएगा 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 की पावर 1, ये मेरे पास 7 की पावर 1 को आप कैसे लिखोगे 7 की पावर 0, 7 की पावर
पर मेरे पास, तो फाइनली मेरे पास कितना आएगा, इबान नोट कितना मेरे पास 8 आ जाएगा फिर ना, 8 आ गया कुल मिला के, 8 आ गया। सेम अगन अगर करेंगे, सेम अगन करेंगे तो मेरे पास, अगर बात करें 2 की पावर 1, मेरे पास 2 की पावर 1 मेरे पास है, तो क्या करोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर मेरे पास कितना 1, 2 की पावर 0 1 मेरे पास, 2 की पावर 2 मतलब कुल मिला के मेरे पास कितना आया, यहाँ पे 3 आ गया, अच्छी बात है। फिर अगला करेंगे हम 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 अगर करेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 मेरे पास, एक और मेरे पास 5 की पावर 1 मेरे पास 5, और 5 की पावर 0 है तो मतलब 1 आएगा मेरे पास, 1 और 5 कितना 6। लास्ट में क्या करना है, सबको क्या करना, मल्टीप्लाई करना, सभी को क्या करना, मल्टीप्लाई करना, ये टोटल फैक्टर निकालना सिखा रहा हूँ आपको, टोटल फैक्टर। तो 6 3 18 18 का 8 गुना अगर करेंगे तो मेरा फाइनली मेरे पास ना 144 आएगा, 144 इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने निकाले, अच्छी बात है। अब देखो अगर आपसे पूछ लिया कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, सबसे पहले ओड निकालिए, ओड फैक्टर का सम कितना होगा, ओड फैक्टर का सम कितना होगा, तो वही कोई करना होगा, कुछ नहीं करना, ओड नंबर उठा लीजिए, ओड नंबर उठा लीजिए। हमने देखा कि ओड नंबर मेरे पास कौन कौन से, 2 ओड नंबर बैठे हैं, 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1 मेरे पास, वही का वही तरीका। इसको कैसे निकालोगे, 7 की पावर 1 का टोटल फैक्टर कितना निकल के आया है, टोटल फैक्टर का सम कितना निकल के आया है, 7 की पावर 1 मेरे पास, फैक्टर का सम कितना 8 मेरे पास, अच्छी बात है, इंटू 5 की पावर 1 का मेरे पास सम कितना निकल के आया भाई, 6 निकल के आया है, तो ये फाइनल मेरे पास कितना आएगा 48। ओड फैक्टर का जो सम आया वो कितना 48 निकल के आया। अगर आपसे बोल दिया जाए कि इवन नंबर का सम कितना होगा, तो वही कोई तरीका, कुछ नहीं करना आपको, टोटल हमको पता है, टोटल मेरे पास कितना सम निकल के आया बताओ, टोटल जो सम निकल के आया कितना 144 निकल आएगा। इस 144 में से अगर मेरे पास 48 जो सम आया कौन से नंबर का आ गया बताओ, ओड नंबर का आ गया है, तो बचा कुछ सम होगा वो इवन नंबर का ही होगा। तो फाइनली हम क्या करते हैं, माइनस कर दो मेरे पास 14 में से 8 गया मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 13 में से मैंने 4 गया कितना 96 आएगा, तो 96 जो सम होगा वो मेरे पास कौन से नंबर का आएगा, ये इवन नंबर का फैक्टर का सम हो जाएगा, ठीक। तो हमने आज जो नया टॉपिक स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम का, नंबर ऑफ फैक्टर, ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने कुछ कुछ नए क्वेश्चन बताया आपको, कुछ पुराना कॉन्सेप्ट भी बताया है। तो आई होप ये वीडियो आप देखिए, उस वीडियो, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, और सबसे पहले आपको 3 काम वही का वही करना है, कि सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक करिए, शेयर करिए, और देख इस वीडियो को सबसे पहले आप देखिए ना, देखिए शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को फैलाइए। रही बात, हमारा जो चैनल है भाई उसको आप सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।